हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आपका एटीएम कार्ड होता है उस पे सीवीवी नंबर कैसे पहचान सकते हैं। सीवीवी के अलावा भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं, उन सब के बारे में भी आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि एक्सपायरी डेट, कार्ड नंबर हो गया। तो इस वीडियो में आपको जो है एटीएम कार्ड के बारे में कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। सारे लोगों को एटीएम कार्ड के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, और साथ ही एटीएम कार्ड के नए अपडेट्स के बारे में भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं एटीएम के फ्रंट साइड की, यानी कि आगे के साइड के बारे में आपको बता देता हूँ। एटीएम के फ्रंट साइड पे आपको राइट कॉर्नर पे आपको स्टेट बैंक का या फिर जो भी बैंक है आपका, उसका लोगो मिल जाएगा। जैसे कि आपका HDFC बैंक होगा तो HDFC का लोगो मिलेगा, स्टेट बैंक का होगा तो स्टेट बैंक का, कोटक महिंद्रा बैंक होगा तो उसका आपको लोगो मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको लेफ्ट कॉर्नर पर जो है सिम कार्ड जैसे चिप दिखाई देगा, इसके थ्रू जो है एटीएम मशीन जो है आपके कार्ड को रीड करता है। उसके बाद आपको नीचे बीच में जो है 16 डिजिट का नंबर दिया जाएगा, इसे एटीएम कार्ड का नंबर बोला जाता है, और यही नंबर आपके ट्रांजेक्शन्स में भी काम आता है। के नीचे आपको डेट दिया रहेगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये कौन सा डेट होता है, तो चलिए मैं बता दूँ कि इसे जो है एक्सपायरी डेट बोला जाता है, और यही एक्सपायरी डेट होता है। मतलब एक्सपायरी डेट का मतलब क्या होता है कि किस डेट को जो है आपका एटीएम कार्ड ख़त्म हो जाएगा, यानी कि कब आपको जो है नया एटीएम कार्ड लेना होगा। आपका एटीएम कार्ड जो एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद आपको नया एटीएम कार्ड लेना होगा। नीचे या तो कुछ एटीएम कार्ड में आपके बैंक का नाम लिखा होता है या फिर कार्ड होल्डर का नाम लिखा होता है। साइट पर आपको जो है कार्ड का कंपनी का नाम लिखा होता है, जैसे कि किसी का वीज़ा या फिर मास्टर कार्ड हो तो इस तरह से उस कंपनी का नाम लिखा होता है। तो इस पेमेंट नेटवर्क लोगो भी कहा जाता है। ये दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके पीछे साइड की। इसके पीछे साइड पर CVV होता है, जिसके बारे में जो है आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अभी तक आपने जो इतना तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले पीछे साइड पर आपको जो है एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होता है, एक ब्लैक पट्टी दिखाई देगा, उसे जो है मैग्नेटिक स्ट्रिप बोला जाता है। तो CVV अब क्या होता है, पीछे जो आपका जो है 3 डिजिट का CVV नंबर दिया होता है। CVV बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको ATM पे 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, एक जो है डेबिट कार्ड नंबर, दूसरा CVV, तीसरा एक्सपायरी डेट। इन्हीं तीनों के जरिए जो है आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम पे ट्रांजेक्शन किया जाता है। तो CVV आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 3 डिजिट का होता है, और ये विजिबल होता है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इस तरह से जो आप अपने ATM कार्ड नंबर पे CVV जान सकते हैं। आई होप कि दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जो भी सवाल हैं उसे नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।